नमस्कार बच्चों, आप सभी का हृदय से स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पिकअप करंट, करंट सेटिंग, टाइम पीएसएम कर्व, टीएसएम, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और आपको हमने पिछले क्लास में ये कहा भी था कि अगर आप लोग इसको देख लेंगे तो उसके बाद जो नया लेक्चर हमारा आएगा उसमें इसका हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके न्यूमेरिकल बड़े ही आसान आते हैं, और लेकिन ये आपको जब तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, पिकअप करंट एक्चुअल में होता क्या है, टाइम पीएसएम करो का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, टीएसएम का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, करंट सेटिंग का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, जब तक आप इन सारी चीज़ों को समझ नहीं लेंगे, याद करना अलग चीज़ है, समझ नहीं लेंगे तब तक इसके न्यूमेरिकल आपसे बनेंगे नहीं। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान होते हैं, और आप अभी देखेंगे दो चार न्यूमेरिकल मैं लेके आया हूँ और आपको सॉल्व कराऊँगा। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी साथ ही साथ सॉल्व करें मेरे साथ। चलिए देखो, एक क्वेश्चन ये लिखा है कि इसमें लिखा है एक रिले है जो कि 400/5 एम्पियर की सीटी से कनेक्ट है, ठीक है, तथा सीटी की करंट सेटिंग 125% है। यदि सीटी की प्राइमरी में फॉल्ट करंट 2400 एम्पियर प्रवाहित हो तो पीएसएम का मान क्या होगा। यहाँ पर आपसे पीएसएम की वैल्यू पूछी जा रही है, थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, बस जस्ट एक समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक फिगर बनाना चाहूँगा। अगर ये देखो मेरी ये, अगर जस्ट एक समझने के लिए यहाँ पर एक ये सीटी होता था, ठीक है, और आपको ये बताया गया था कि सीटी आपके हर फेज में सीटी लगा रहेगा, किसी एक फेज के लिए अलग अलग सीटी रहेगा, आर फेज के लिए अलग सीटी, वाई फेज के लिए अलग सीटी और बी फेज के लिए अलग सीटी। मैं एक सिंगल फेज लोड मान के चल रहा हूँ जो कि किसी सप्लाई से कनेक्ट है, और इसमें सीटी लगा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, ये आपका सीटी दिखाया गया है। और सीटी में दो चीज़ दिखा दी जा रही है, ये आपका मान के चलो ये सीटी का प्राइमरी है, ये सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये वाला सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग है। इस सेकेंडरी वाइंडिंग को आप कहाँ कनेक्ट करते हो, इस सेकेंडरी वाइंडिंग को एक तो आप अमीटर में कनेक्ट करते हो, अगर दूसरे कोर को, और दूसरे कोर को आप कहाँ कनेक्ट करते हो, आप जानते हो कि दूसरे कोर को आप रिले में कनेक्ट करते हो, मतलब रिले की ऑपरेटिंग क्वाइल से आप कनेक्ट करते हो। जो रिले में ऑपरेटिंग क्वाइल होती है, या तो चाहो तो मैं ऐसे बना देता हूँ, ये लो आप थोड़ा सा और समझ लोगे, आसान होगा। ये मेरा मान लो ये एक रिले है, ये यहाँ पर एक रिले है ना, और ये इसकी यहाँ पर ये वाइंडिंग हो गई, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये इसका मूविंग कांटेक्ट है, ये मूविंग कांटेक्ट है, और यहाँ पर एक आपका कांटेक्ट लगा हुआ है जो कि ये सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है, जब ये ऑपरेट होगा, जब ये कांटेक्ट ऑपरेट होकर इस कांटेक्ट से जुड़ेगा तो क्या होगा, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल जाएगा, और सर्किट ब्रेकर को सिग्नल जब जाएगा तो यहाँ जो भी लोड लगा होगा उस लोड को इंटरप्ट करेगा, ये चीज़ समझो। अब आप ये बताओ, जो ये मेरा रिले है, इस रिले में जो करंट फ्लो हो रही है वो सीटी की सेकेंडरी से करंट फ्लो हो रही है, इस बस मुझे इतना ही बताना था, इतने के लिए हम इतना फिगर बना लिए, बाकी इस फिगर की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। जो सीटी की प्राइमरी होती है उसमें जो हमारा लोड करंट फ्लो होता है वही फ्लो होता है, जो मेरी लोड करंट होती है वो सीटी की प्राइमरी में फ्लो होता है, सीटी की सेकेंडरी से हमारा क्या कनेक्ट होता है, रिले कनेक्ट होता है, इतनी चीज़ आप समझ रहे होंगे।
आपसे इसमें पूछा क्या गया है, पीएसएम की वैल्यू पूछी गई है। तो पीएसएम की वैल्यू पूछने के साथ ही साथ आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ये देखो। पहला ये दिया है सीटी रेशियो, सीटी रेशियो है आपका 400/5 एम्पियर, ये चीज़ आपको दिया गया है ना। सीटी रेशियो के साथ साथ क्या दिया गया है, करंट सेटिंग दिया गया है, करंट सेटिंग, करंट सेटिंग क्या दिया गया है, करंट सेटिंग 125% दिया गया है, ठीक है। और एक चीज़ ये दिया है प्राइमरी, सीटी की प्राइमरी में बहने वाली फॉल्ट करंट, सीटी की प्राइमरी में बहने वाली फॉल्ट करंट का मतलब यहाँ पर है कि ये जो प्राइमरी है इसमें, ये जो प्राइमरी है इसमें 2400 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ये इधर आएगी, ये यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर ये यहाँ, ये वाली यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है ये है यहाँ, ये यहाँ लिखा ना, यदि सीटी की प्राइमरी में फॉल्ट करंट, सीटी की प्राइमरी में फॉल्ट करंट यही है, सीटी की प्राइमरी में फॉल्ट करंट अगर 2400 एम्पियर फ्लो करे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉल्ट करंट इन प्राइमरी ऑफ सीटी कितना है 2400 एम्पियर है, ठीक है। ये अब हम आपसे जानना क्या चाह रहे हैं, देखो अब हम लोग इसमें पीएसएम जानना चाहते हैं। पीएसएम क्या होता है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर होता है। तो हम क्या करते हैं, पीएसएम का हम सीधे फार्मूला लिख लेते हैं तो फिर हमको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पीएसएम का फार्मूला होता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बराबर होता है फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल अपान पिकअप करंट ये हमारा पीएसएम का फार्मूला होता है, ये मेरा पीएसएम का फार्मूला होता है। बहुत आराम से हम लोग समझेंगे, अगर एक आध दो क्वेश्चन आराम से हम लोग समझ लेंगे तो हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जैसा कि आप जानते भी हो। तो ये मेरा फार्मूला हो गया पीएसएम का, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इस चीज़ को याद करिए। पीएसएम इक्वल टू होता है फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल अपान पिकअप करंट, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, एक ये वाली वैल्यू चाहिए, एक ये वाली वैल्यू चाहिए, फिर हम दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारा पीएसएम की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि फॉल्ट करंट, पहला क्या कह रहा है, पहला हमारा ये जानना चाह रहा है कि फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, देखो रिले कॉइल कौन सी है, ये वाली रिले कॉइल है, ये वाली रिले कॉइल है, तो इसमें बहने वाली करंट इसको चाहिए। जब ये जो हमारी करंट फ्लो हो रही है ना, ये वाली जो 2400 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 2400 एम्पियर क्या है, ये फॉल्ट करंट है, 2400 एम्पियर क्या है, ये फॉल्ट करंट है और ये प्राइमरी में फ्लो हो रही है। लेकिन आपको क्या जानना है, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, इस फॉल्ट के दौरान, इस जब 24 एम्पियर अगर जब प्राइमरी में फ्लो होगी, कब प्राइमरी में फ्लो होगी, फॉल्ट के दौरान जब सीटी की प्राइमरी में फ्लो होगी, तो रिले में हमारी फॉल्ट करंट, इस दौरान रिले में क्या फॉल्ट करंट होगी, इस दौरान रिले में हमारी फॉल्ट करंट क्या होगी, रिले में फॉल्ट करंट, इस रिले में फॉल्ट करंट मेरी वही होगी जो इस सीटी की सेकेंडरी में होगी, जो इस सीटी की सेकेंडरी में होगी वही तो मेरी यहाँ पर करंट फ्लो होगी ना। तो फॉल्ट के दौरान अगर फॉल्ट हमारा 2400 एम्पियर है तो सीटी की जो सेकेंडरी में इस टाइम जो करंट होगी, वही करंट तो रिले की कॉइल में फ्लो हो रहा है, तो जो वही करंट मेरा क्या कहलाएगा, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल। हाँ, अब इसको हम लोग निकालते कैसे हैं,
इसको निकालने के लिए हमको CTR का सहारा लेना पड़ता है, CT रेशियो। अगर इसमें दिया है CT रेशियो 400/5 एम्पियर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 400/5 एम्पियर है CT। अगर मान लो प्राइमरी में मेरी करंट जो है I1 कितना है 400 एम्पियर है, तो सेकेंडरी में I2 फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। मतलब आप समझिएगा, मतलब ये हुआ कि अगर प्राइमरी साइड में 400 एम्पियर करंट फ्लो हो तो सेकेंडरी साइड कितना करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। ठीक है, अब इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि अगर प्राइमरी में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो तो सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो होगा 5/400, यही तो होगा ना। अगर इसके गुणे में मैं 1 मान लूँ तो यही तो होगा ना, तो अगर प्राइमरी में अब मेरा 1 एम्पियर करंट फ्लो हो तो सेकेंडरी में क्या होगा 5/400। ये सेकेंडरी की करंट है। ठीक है, अब आपके प्राइमरी में कितना करंट फ्लो हो रही है 2400 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो अब यहाँ से निकाल लीजिए। अगर अब यहाँ पर 2400 एम्पियर करंट फ्लो हो तो सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो होगी 5/400, तो वही रहेगा और यहाँ पर 2400 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर ये 2400 से गुणा हो जाएगा। अब देखो, इतनी बात आपको अगर समझ में आई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, काट दो जीरो से, ये दो जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 4×6=24 कितना आया 6×5=30 आया। तीस क्या है, तीस यही है सेकेंडरी में बहने वाली करंट है। तो आपको सेकेंडरी में बहने वाली करंट कितना मिल गया 30 एम्पियर मिल गया, सेकेंडरी में बहने वाली करंट 30 एम्पियर मिल गई। ये हमको कितना मिला, ये मुझे मिल गया 30 एम्पियर, क्योंकि ये रिले की सेकेंडरी में 30 एम्पियर होगी और ये ही रिले की कॉइल में जाएगी। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस पर आ जाते हैं, पिकअप करंट क्या होता है। अब इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं रही है। चलो, अब यहाँ से पिकअप करंट हमको चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पिकअप करंट का फार्मूला लिखते हैं। पिकअप करंट बराबर क्या होता है बताओ, पिकअप करंट इज इक्वल टू होता है रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी इनटू करंट सेटिंग। यही होता है ना फार्मूला, पिकअप करंट का फार्मूला यही होता है ना। अगर आप याद किए होंगे तो ठीक रहेगा, कल पिछला लेक्चर आप देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आप बताओ रेटेड सेकेंडरी करंट क्या है, जो आपका सीटी रेशियो दिया होता है इसमें ये प्राइमरी की रेटेड करंट कहलाती है, ये सेकेंडरी की रेटेड करंट कहलाती है। तो ये रेटेड सेकेंडरी करंट कितना है 5 एम्पियर है, रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी कितना है 5 एम्पियर है। और करंट सेटिंग कितना दिया, ये क्वेश्चन में हमारा करंट सेटिंग ऑलरेडी दिया ही है 125% के मतलब होता है कि इंटू 125/100 ये होता है। ठीक है, अब इसको आप गुणा कर दीजिए, 5×25 5×2=10, 6×5=6.625 आएगा क्या पिकअप करंट। तो 6.25 क्या आ गया पिकअप करंट आ गया, यहाँ से पिकअप करंट कितना आया 6.25। अब क्या करो, अब यहाँ से निकाल लो PSM की वैल्यू, PSM बराबर हो जाएगा 30, मतलब फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल 30 बटे
पिकअप करंट कितना है, 6.25, 6.25। ये जहाँ तक आएगा 4.8 आएगा पीएसएम, इसको आप भाग दोगे तो 4.8 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका पीएसएम निकला, इस तरीके से आपका पीएसएम निकला। सबसे पहले देखो पीएसएम में ही थोड़ा सा निकालने में सावधानी हमको रखना होता है, बाकी सारा कुछ आसान ही होता है। आसान तो इसमें सब कुछ है, थोड़ा सा पीएसएम को निकालने में हमको सावधानी रखना पड़ता है। पीएसएम फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल अपान पिकअप करंट। पिकअप करंट का सिंपल सा फार्मूला होता है रेटेड करंट ऑफ सीटी सेकेंड, रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी इनटू करंट सेटिंग। क्वेश्चन में दोनों दिया रहेगा, आप यहां से निकाल लोगे। और फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, यही चीज़ निकालना होता है, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, इसी चीज़ को थोड़ा सा समझना होता है। अब ये तो आप लिख लिए होंगे, एक हम ऐसे अपने से एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लेते कि CTR आपका दिया होता, CTR कितना दिया होता, जैसे ये 400/5 है, तो यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि हमारा CTR 400/1 एम्पियर है, CTR जो है 400/1 है, CTR 400/1 है, ठीक है। चलो तो अब हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ से सिर्फ निकालना है फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल। हमको ये वाला हम पोर्शन केवल ज्ञात करना चाहेंगे, ये वाला पोर्शन हम पता लगाना चाहेंगे, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल। अब आप जैसे कि जानते हो ये आपका सीटी का प्राइमरी वाइंडिंग होता है और ये वाला सीटी का सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, यही होता है। या तो ऐसे कर देता हूँ, ये आपका प्राइमरी हो गया और ये आपका सेकेंडरी हो गया, एक अमीटर से जुड़ जाता है, एक रिले से जुड़ जाता है। और अभी फॉल्ट करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, अभी फॉल्ट करंट इसमें 2400 एम्पियर। इसी क्वेश्चन, ये देखिए कोई क्वेश्चन नहीं है, अपने से आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इस रिले में जो हम फॉल्ट करंट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को हमको समझना है। तो अब यहाँ देखिएगा, CTR 400/1 एम्पियर है, फॉल्ट करंट हमारी कितना है, 2400 एम्पियर है। तो हम इस रिले की कॉइल में जो बहने वाली फॉल्ट करंट है हम ये पता लगाना चाहते हैं बस। तो सबसे सिंपल सा फंडा ये है, ये आप प्राइमरी साइड की करंट यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर प्राइमरी, और इस साइड आप लिखोगे सेकेंडरी साइड की करंट, ठीक है। अब देखो प्राइमरी में अगर 400 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो सेकेंडरी में कितना फ्लो होगी, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी, यहाँ चूँकि यहाँ पर CTR दिया है 400/1। अब अगर प्राइमरी में 400 से कम मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, अगर चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जब इसका पंचांतर करते हो तो ये बटे में जाता है, आप जानते ही हो। तो अगर आपकी प्राइमरी में केवल 1 एम्पियर करंट फ्लो हो तो सेकेंडरी में आप जानते हो और कम करंट फ्लो होगी, तो वो क्या हो जाएगी, 1/400। अब चूँकि फॉल्ट करंट कितना दिया है, 2400, तो फॉल्ट करंट 2400 एम्पियर निकालने के लिए 1/400 में आपका क्या होगा, हो जाएगा 2400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2400 से गुणा हो जाएगा। अब इसको भाग दे दोगे तो आ जाएगा 6, मतलब जो रिले में बहने वाली फॉल्ट करंट होगी वो 6 एम्पियर होगी। हमको देखो क्या करना होता, सबसे पहले हम यही हमको निकालना सीख जाओ, समझो सब कुछ आ गया इसमें। प्राइमरी और सेकेंडरी का करंट रेशियो दिया ही रहता है, करंट रेटिंग दिया ही रहता है, उसी के अनुसार हम निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, प्राइमरी के इधर हम प्राइमरी की वैल्यू पुट करते जाते हैं, इधर सेकेंडरी की वैल्यू हमको मिलती चली जाती है। अगर प्राइमरी में 400 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो सेकेंडरी में 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी, वो कैसे फ्लो होगी, ये CTR में दिया होगा, CTR दिया होता है। अब अगर प्राइमरी में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो तो सेकेंडरी में 1/400, ये 400/ में आ जाएगा। अब चूँकि प्राइमरी में जो फॉल्ट करंट मेरी फ्लो हो रही है वो फॉल्ट करंट मेरी 2400 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, 2400 से 1/400 में गुणा कर दूंगा, तो जो मेरा 6 वैल्यू आया वो कहाँ की वैल्यू, वो सेकेंडरी साइड की वैल्यू है, मतलब जो रिले के सेकेंड, जो हमारे सीटी के सेकेंडरी में करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू है। और सीटी के सेकेंडरी किससे कनेक्ट है, रिले से कनेक्ट है, तो जो सीटी के सेकेंडरी में बहेगी करंट वही रिले की कॉइल में करंट बहेगी। यहाँ से आप फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल आप निकाल सकते हो। चलो ठीक है।
अब क्या करता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ। अब एक नए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखो पिकअप करंट क्या है और करंट सेटिंग क्या है, इन सब चीज़ों को आप समझो। ये रटने वाली चीज़ नहीं है, आप अगर रटोगे तो ये भूल जाएगा, बार बार भूल जाएगा। ये समझने वाली चीज़ है। आप पिछला वीडियो एक बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा, कहीं आपको डाउट लग रहा है तो फिर से उसी वीडियो को देखिए। जब आप एक से दो बार तीन बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आप रिले के लिए मास्टर हो जाएंगे। रिले में कैसे ऑपरेटिंग टाइम निकाला जाता है, कैसे PSM निकाला जाता है, कैसे फॉल्ट करंट निकाला जाता है, कैसे पिकअप करंट निकाला जाता है, ये सब आपको आ जाएगा। इसके क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बट आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि ये क्वेश्चन गलत ना हो हमारे, इस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, लिखिएगा, a relay having a current setting of 125% and time setting multiplier of 0.4 connect to supply through 400/5 ampere CT when the circuit carries the fault current of 2400 ampere what is the actual operating time of relay, और दिया है use the time PSM curve। देखो जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि ये सारी चीज़ें दी होती हैं, टाइम PSM कर्व भी इस क्वेश्चन में दिया है, मैं उसको बना देता हूँ।
ये सेकंड में है, ये टाइम आपका सेकंड में दिया है, टाइम आपका सेकंड में दिया है, ये पीएसएम है, 4 सेकंड, ये 6 सेकंड, ये 8 सेकंड, ये आपका टाइम पीएसएम कर्व आपका दिया हुआ है। अब चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हमसे ये जानना चाह रहा है कि एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम क्या है, और क्वेश्चन में दिया क्या, ए रिले हैविंग करंट सेटिंग, देखो इसमें करंट सेटिंग दिया है 125%, और क्या दिया है, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर का मतलब होता है टीएसएम, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर कितना दिया है, 0.4, कनेक्टेड टू सप्लाई थ्रू 400/5 एम्पियर सीटी, एक सीटी है जिसका सीटीआर दिया है 400/5 एम्पियर। व्हेन द सर्किट कैरी द फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट कितना दिया है, 24 एम्पियर। व्हाट इज द एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले, और इसमें दिया क्या है, यूज द टीएसएम पीएसएम करो, यूज द टाइम पीएसएम करो। अब ये क्वेश्चन है, प्रॉपर क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम तक पूछा गया है। इससे जो पिछला वाला आपका क्वेश्चन था उसमें केवल आपका पीएसएम पूछा गया था, ऑपरेटिंग टाइम तक हम लोग नहीं पहुंचे थे। ये मेरा कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें जितना भी आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था उन सारे टर्म का इसमें यूज होने वाला है, तो इसको आप केयरफुल्ली देखिए और समझिए। क्वेश्चन है बहुत आसान, सेम क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो हमको क्या क्या दिया, सबसे पहले हम लोग उसको नोट कर लेते हैं एक साइड में। हमको दिया है करंट सेटिंग दिया है, करंट सेटिंग दिया है, करंट सेटिंग कितना दिया है, 125%। दूसरा क्या दिया है, टीएसएम दिया है, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, वो कितना दिया है, 0.4 दिया है, और सीटीआर कितना दिया है, सीटीआर दिया है 400/5 एम्पियर, और सीटी रेशियो तो हो ही गया, और फॉल्ट करंट दिया है 2400 एम्पियर। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम। चलो इतनी चीजें दी हुई हैं, आपसे पूछा क्या है, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम, तो इसको आप साथ ही साथ लिखिए, साथ ही साथ लगाइए। आपको अगर याद हो तो आपको एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम दिया, आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम। अब आपसे अगर पूछूं मैं कि एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम के लिए आपको अगर याद हो, जब हमने टीएसएम का टॉपिक आपको बताया गया था, तो टीएसएम का टॉपिक, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर वाला टॉपिक हमने बताया था, तो उसमें हम शायद लिखाए थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम। तो वो जो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम जो आता है, वो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम आता है पीएसएम आवलिक टाइम, टाइम पीएसएम कर्व से प्राप्त समय का मान। इस कर्व से हमको कुछ टाइम मिलेगा, इस कर्व से हमको, इसमें से ये आपका टाइम दिया है सेकंड में, इसमें से कुछ मुझे टाइम मिलेगा, इसमें से कुछ मुझे टाइम मिलेगा, और इस टाइम को मैं किससे गुणा करता हूँ टीएसएम से, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर से, तब मेरा एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम आता है। ये था, ध्यान दीजिएगा फिर से, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम कहाँ से मिला आपको, ये जो टाइम है ये टाइम पीएसएम कर्व से मिला, ये जो पीएसएम और टाइम कर्व से आपका जो समय का मान होगा, उस समय के मान को यहाँ ले लेंगे और उसमें टीएसएम से हम गुणा कर देंगे, तो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम मिल जाएगा। अब ये बताओ, टीएसएम तो आपका दिया ही है 0.4, ठीक है, आपको चाहिए ये टाइम, आपको क्या चाहिए, ये टाइम, और ये टाइम आपको तभी मिलेगा जब आपको पीएसएम की वैल्यू पता चलेगी।
PSM की वैल्यू पता चलेगी। बात समझ रहे हो ना? तो हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी अब, इसका मतलब ये हो गया सबसे पहले हम PSM निकालें। तो PSM निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, फॉल्ट करेंट इन रिले कॉइल अपान पिकअप करेंट। तो यहाँ से देखो होगा क्या, मैं इस फार्मूले से PSM की वैल्यू निकाल लूँगा, और जब इस फार्मूले से मुझे PSM की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं PSM इसमें से मैच कराऊँगा, कि PSM मेरा एक है कि दो है कि तीन है कि चार है कि पाँच है। उदाहरण के तौर पर मैं मान लूं कि जब मैं इस फार्मूले को सॉल्व किया, तो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अभी हम क्वेश्चन पे पहुंच ही नहीं रहे, अभी हम केवल उसका प्रोसीजर समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रोसीजर से हमको आगे बढ़ना होगा। देखो आप मोटा मोटा ये जान लो कि किसी भी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग टाइम पता लगाने के लिए हमको सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो PSM की ज़रूरत पड़ती है। वो PSM हमको पता लगाना पड़ेगा। जब हमको PSM मिल जाएगा तो टाइम PSM का कर्व दिया रहता रिले में, ये मैन्युफैक्चरिंग रहता है, ये रिले में दिया रहता है, ठीक है। तो उस PSM के अकॉर्डिंग हम टाइम पता लगा लेते हैं और उस टाइम पर TSM से गुणा करके एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम हम पता लगा लेते हैं। तो मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ से मैं फॉल्ट करेंट इन, देखो PSM निकालना तो पिछले क्वेश्चन में आप समझ ही गए हो, तो मैं मान रहा हूँ कि जो PSM की मेरी वैल्यू आई, ये वाला दो आई, तो इसके अनुसार टाइम मेरा कितना हो जाएगा, ध्यान दो, इसके अनुसार टाइम मेरा ये हो जाएगा, ये कुछ इस, अगर PSM मेरा 2 आता तो आपका टाइम कितना आता, 6 टाइम कितना, अगर PSM मेरा 2 आता तो आपका टाइम कितना आता, लगभग ये 4 और ये 6 है तो बीच में कहीं 5 होगा, ये मान लो कि मैं 5.5 आ गया, तो टाइम इससे, यहाँ से टाइम जो प्राप्त हुआ कितना आएगा, 5.5 सेकेंड, और TSM मेरा कितना दिया, 0.4 सेकेंड। अब इन दोनों को मैं गुणा कर दूंगा तो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम मेरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या समझ में आया, सबसे पहले मुझे PSM की ज़रूरत होगी, PSM निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, रिले कॉइल में जो फॉल्ट करंट है, उस रिले कॉइल में जो फॉल्ट करंट फ्लो हो रही है उसको मैं निकालूंगा और पिकअप करंट निकालूंगा, तो मैं PSM प्राप्त कर लूंगा, और जब PSM मिल जाएगा तो PSM से मैं कंपेयर करके समय का मान निकालूंगा, फिर उस समय को मैं TMS से गुणा करके मैं प्राप्त कर लूंगा एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, PSM। तो PSM निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पिकअप करंट की ज़रूरत पड़ेगी और फॉल्ट करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं पिकअप करंट निकाल रहा हूँ, पिकअप करंट बराबर होता है रेटेड सेकेंडरी, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको सबसे पहले PSM पता लगाना होगा, रेटेड सेकेंडरी करंट आप CT इंटू करंट सेटिंग। ये हम पिकअप करंट निकालना चाह रहे हैं, रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी इनटू करंट सेटिंग, ये इसका फार्मूला होता है, और इस फार्मूले को हम रखते हैं, इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं। तो रेटेड सेकेंडरी ऑफ करंट सिटी क्या, सिटी की सेकेंडरी करंट क्या होगी, ये जो ये प्राइमरी की रेटेड करंट होती है और ये सेकेंडरी की रेटेड करंट होती है, तो यहाँ पर हम रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, इनटू है ना, इंटू करेंट सेटिंग कह रहा है, करेंट सेटिंग कितना दिया गया है, 125%। 125% का मतलब होता है कि इंटू 125/100। अब इसको आप भाग दीजिए तो वही आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। तो आपका पिकअप करेंट क्या आ गया, पिकअप करेंट आपका आ गया 6.25 एम्पियर।
पिकअप करंट 6.25 एम्पियर। ये एकदम पिछले क्वेश्चन के जैसे है, इसमें मैं समझता हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है, अब हमको क्या चाहिए, हम चूंकि PSM निकालना चाह रहे हैं तो अब हमको वही चाहिए, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगला हो जाएगा फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल निकालना है हमको, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, यही चीज़ हमको पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीटी की एक साइड प्राइमरी करंट लिखते हैं और एक साइड आप लिखते हो सेकेंडरी करंट। एक साइड प्राइमरी करंट, दूसरी साइड सेकेंडरी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सीटी की प्राइमरी में 400 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो सेकेंडरी में कितना करंट होगी फ्लो होगी, 5 एम्पियर होगी। चलो इसको लिख दो 5 एम्पियर। अब सिटी की प्राइमरी में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो तो सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो होगी, 5/400। और फॉल्ट करंट कितना सिटी में फ्लो हो रहा है, फॉल्ट करंट 2400 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो क्या करूँगा मैं, इसको 2400 से इसमें मैं गुणा कर दूंगा, 5/400 इंटू 2400। अब इसको भाग दे दीजिए, आ जाएगा 4×6=24 और 6×5=30 आ जाएगा। तो फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल कितना आ गया, 30 आ गया। फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल कितना आ गया, 30 आ गया। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ PSM की वैल्यू। PSM मतलब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। इसका फार्मूला क्या होता है, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल अपान पिकअप करंट। देखो फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, चाहे मैं ये कहूँ फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल मीन्स रिले कॉइल में बहने वाली फॉल्ट करंट मैं कहूँ, या तो फॉल्ट के दौरान जो सीटी की सेकेंडरी में करंट फ्लो होगी, दोनों सेम बात होगी। इस चीज़ को आप समझिएगा, चाहे सीटी में की सेकेंडरी में फॉल्ट के दौरान जो बहने वाली करंट है मैं वो कहूँ, या तो फॉल्ट के दौरान रिले में बहने वाली करंट, ये दोनों सेम बात होगी। तो फॉल्ट के दौरान सीटी की प्राइमरी में कितना करंट फ्लो हो रहा था, 2400 एम्पियर फ्लो हो रहा था। तो इसके अनुसार हम सीटी रेशियो को ध्यान में रखते हुए हमने क्या निकाला कि सीटी की सेकेंडरी में फॉल्ट करंट कितना मिलेगा, वो 30 एम्पियर मिल रहा। तो इसको आप यहां पर लिखोगे 30 एम्पियर बटे पिकअप करंट कितना है, 6.25 है। अब 30 में 6.25 से आप भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा। PSM कितना आया 4.8, इतना आप लिख लो। पिकअप करंट कितना आया था, 6.25 आया था। फॉल्ट करंट रिले कॉइल कितना आया था, 30 एम्पियर आया था। PSM कितना आया, 4.8 आया है। PSM कितना आ गया, 4.8। अब मैं क्या करूँगा, इतना मैं हटाता हूँ। चलो फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे ना। हमने आपसे बताया ही था ना कि सबसे पहले हमको जब भी एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम की बात करें तो ये जान लो कि आपको PSM तो निकालना ही निकालना है। तो यहाँ से आपका PSM कितना आया, PSM की वैल्यू आई हमको, PSM की वैल्यू क्या है, 4.8 आई। PSM मतलब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। एक इसको PSM को एक दूसरे तरीके से भी ये समझ सकते हो, ये PSM हमको ये बताता है कि फॉल्ट का जो लेवल है पिकअप करंट का कितने गुना है। तो पिकअप करंट का ये 4.8 गुना है, इससे आप PSM से ये भी चीज़ पता लगती है। अब PSM की वैल्यू 4.8 देखो कहाँ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर PSM 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। अब आपको क्या चाहिए, 4.8। तो आप ये मान लो कि इस पॉइंट पर आता होगा 4.8, इस पॉइंट पर 4.8 आता होगा। और इसको आप मिलाओ, इसको मिलाने से आप टाइम आपको पता चल जाएगा। ये इसको आपने मिलाया,
तो आप ये देख रहे हो कि 4.8 PSM पर जो मेरा ऑपरेटिंग टाइम कितना आ रहा है, वो 2 आ रहा है। तो जो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम आप निकालोगे, अब आ गया आंसर ही, अब आपका एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम जो होगा, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम बराबर होता है टाइम, और टाइम कौन सा, और टाइम ये टाइम पीएसएम कर्व से प्राप्त, टाइम पीएसएम कर्व से प्राप्त समय के मान, टाइम पीएसएम कर्व से प्राप्त समय का मान इनटू टीएसएम मतलब टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, टाइम पीएसएम कर्व से प्राप्त समय का मान क्या है, 2 सेकंड है। और TSM की वैल्यू कितना दिया है, TSM की वैल्यू 0.4 दिया है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 4 × 8 मतलब 0.8 सेकेंड रिले का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम आ गया। यही मेरा आंसर है, इसी चीज़ को मैं पता लगाना चाहता था। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलो, तो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम आपको समझ में आया होगा कि आप एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम कैसे निकालोगे। तो अगर स्टेप की बात मैं करूं तो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम निकालने के लिए देखो भैया, सब आप एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम की जब भी कभी बात हो तो आप इतना तो समझते हो कि हमको पीएसएम निकालना पड़ेगा, तो पीएसएम आप इतना तो समझ रहे हो ना कि पीएसएम निकालना पड़ेगा। तो पीएसएम निकालने के लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल और हमको पिकअप करंट की ज़रूरत पड़ती है। इससे हमको पीएसएम की वैल्यू आती है, और ये पीएसएम टाइम का ग्राफ दिया रहता है, टाइम पीएसएम ग्राफ से हम इसमें टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर टीएसएम से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा, ये टोटल क्वेश्चन टोटल है, इसमें सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई हैं। तो अगर इसको आप समझ गए होंगे तो इस आगे आपको किसी क्वेश्चन में परेशानी नहीं आएगी। चलिए मैं इसको हटाता हूँ और अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मैं जैसा कि पहले ही आपको बताया हूँ, क्वेश्चन इसके बहुत ही आसान होते हैं, बस समझने की चीज़ है। अगर जब इसके थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हम कह सकते हैं। अब आपका पेपर आने वाला है, और मैं समझता हूं कि आप लोग बड़े ईमानदारी के साथ पढ़ रहे होंगे। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये तो हो ही जाएगा। या तो ऐसा करते हैं, पहले दूसरा क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, द करेंट रेटिंग ऑफ एन ओवर करेंट रिले इज़ फाइव एम्पियर। द रिले हैज़ ए प्लग सेटिंग ऑफ The relay has a plug setting of 150% and
एंड टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग ऑफ एंड टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग एंड टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग मीन्स TSM टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर ऑफ 0.4 द सीटी रेशियो इज दिया है द सीटी रेशियो इज 400/5 एम्पियर डिटरमाइन द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले determine the operating time of the relay for a fault current of 6000 ampere at TSM one operating time at various PSM are given is the table टेबल क्या दिया है टेबल दिया है ये PSM हो गया और ये है मेरा ऑपरेटिंग टाइम ये किस में है इन सेकंड में है ठीक है PSM मेरा जब 2 दिया है तो ऑपरेटिंग टाइम इसमें दिया है 10 सेकंड PSM जब आपका 4 दिया है तो ऑपरेटिंग टाइम कितना है 5 PSM आपका जब 5 दिया है तो ऑपरेटिंग टाइम कितना है 4 PSM जब आपका 8 दिया है तो ऑपरेटिंग टाइम कितना दिया है 3 PSM जब आपका 10 दिया है तो ऑपरेटिंग टाइम कितना दिया है 2.8 PSM आपका जब 20 दिया है तो ऑपरेटिंग टाइम कितना दिया है 2.4 ये हमारे इतनी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं चाहो तो इसको एक बॉक्स में बना दो टेबल फॉर्म में दिखने लगेगा देखो इस रिले में भी क्या पूछ रहा है ऑपरेटिंग टाइम आपसे पूछा जा रहा है तो इस रिले में भी सॉरी इस क्वेश्चन में भी आपसे ऑपरेटिंग टाइम पूछा जा रहा है तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने प्रोसीजर को फॉलो किया था सेम वही प्रोसीजर को मैं फॉलो करूंगा हाँ एक चीज़ थोड़ा सा आप और समझिए जो कर्व दिया है उसमें आपका जो पिछला क्वेश्चन था तो उसमें कुछ ऐसा कर्व दिया था ना यहाँ कुछ दिया था 1, 2, 3, 4 ऐसा 2, 4 तो चाहे ये कर्व दे दे क्वेश्चन में ये PSM इधर वाला था और ये वाला टाइम था तो आप क्वेश्चन में चाहे तो ये कर्व दे दे और चाहे तो ये टेबल दे दे बात यही है रिले में जनरली जो रिले आपकी बनी आती है एक्चुअल में जो रिले आती है उसमें ये ऐसा टेबल दिया रहता है ये किसी किसी में ऐसा कर्व भी दिया रहता है किसी किसी में ऐसा टेबल दिया रहता है तो जैसे इसमें था कि इसमें PSM दिया था इसमें आपका टाइम दिया था इसी तरीके से ये इसमें PSM दे दिया है और इसमें टाइम दे दिया इतनी चीज़ ठीक है चलो
एक चीज़ इसमें ये देखो, यहाँ से समझो, एट TSM 1 ऑपरेटिंग टाइम ऑफ वेरियस PSM, इसमें ये कह रहा है कि जब TSM की वैल्यू 1 है तो उस TSM पर PSM का वेरियस वैल्यू ये दिया गया है, ठीक है। अब आप ये समझो, जब आपसे पिछले क्वेश्चन में कहा गया था एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम, तो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम में आपने जब टाइम PSM कर्व से निकाला था तो आपका जो PSM आया था 4.8 आया था, और उसके अनुसार जो आपने टाइम निकाला था इसके अनुसार टाइम कितना आया था, 2 सेकेंड टाइम आया था, है ना। तो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम आप लिखे थे, पिछले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 2 सेकेंड इंटू TSM कितना दिया था, 0.4 दिया था, तो आप इसको गुणा करते तो क्या आता, 0.8 आता, ठीक है, 0.8 आता, ये था। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो TSM 0.4 था, TSM अगर एक होता तब कितना एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम आता, तब आता 2 × 1 = 2, मतलब 2, मतलब ये है कि यही टाइम केवल आता, यही टाइम जो था यही रह जाता। तो यही चीज़ यहाँ पर समझना है कि जब TSM बराबर 1 कह दे तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ का, ये एक टेबल में दिखाने का एक तरीका है, बेसिकली ये यही कहना चाह रहा है कि ये वाला जो मेरा ग्राफ है ये दिया है, या तो चाहे तो TSM 1 कह के आपका PSM की अलग अलग वैल्यू दे दे, वो ऐसे दे दे, चाहे तो ऐसे ये ग्राफ दे दे। अगर ये टेबल देगा तो चाहे तो ये TSM 1 लिख सकता है, और नहीं लिखना चाहे तो वो ना लिखे, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। TSM अगर मेरा 1 दिया है तो जो मेरा रिले का टाइम PSM करो दिया होगा उसी के अनुसार जो मेरा टाइम मिलेगा वही मेरा एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम हो जाएगा। तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये TSM 1 के अनुसार इसमें ये PSM और ऑपरेटिंग टाइम का ग्राफ दिया है। ये TSM कब था, ये TSM 1 के अकॉर्डिंग PSM और टाइम का ये इसमें टेबल दिया है। अगर मैं TSM की वैल्यू चेंज कर दूंगा तो ये ऑपरेटिंग टाइम भी मेरा चेंज हो जाएगा। चलो इसको छोड़ो, अब इस क्वेश्चन में और आगे पहुंचेंगे। सबसे पहले हम वही करेंगे जैसा हम करते आते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो क्वेश्चन में दिया होता सबसे पहले मैं उसको नोट करता हूँ। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन में दिया हो उसी चीज़ को आप नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। जो दिया है, क्या दिया है आप उसको लिख लीजिए, क्या पूछ रहा है आप उसको लिख लीजिए, फिर उसके अनुसार आप फार्मूला सेट करिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो इसमें क्या दिया है पहले ये देखते हैं। द करेंट रेटिंग ऑफ एन ओवर करेंट रिले इज 5 एम्पियर। करेंट रेटिंग का कोई बहुत मतलब नहीं, इसको आगे बढ़िए। द रिले हैज़ ए प्लग सेटिंग ऑफ 150%। ये चाहे आपसे प्लग सेटिंग कहे, यहाँ ये ध्यान दीजिए एक नई चीज़ है, चाहे आपसे प्लग सेटिंग कहे, चाहे आपसे इसको करंट सेटिंग कहे, चाहे आपसे इससे प्लग सेटिंग कहा जाए चाहे करंट सेटिंग कहा जाए, बात दोनों एक ही होती है। तो यहाँ पर क्या दिया है, करंट सेटिंग दिया है, कितना दिया है, 150% दिया है, है ना। और एंड द टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग इज 0.4। जो TSM दिया है वो कितना दिया है, 4 दिया है। द CT रेशियो इज 400/5। CTR कितना दिया है, CTR दिया है आपका 400/5 एम्पियर, ये CTR दिया है। डिटरमाइन द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले फॉर ए फॉल्ट करेंट। फॉल्ट करंट कितना दिया है, 6000 एम्पियर। तो फॉल्ट करंट कितना दिया है 6000 एम्पियर। चाहिए क्या, ऑपरेटिंग टाइम
अगर आप देखो, अगर आप पिछले क्वेश्चन से तुलना करो तो पिछले क्वेश्चन में भी तो यही दिया था, उसमें करंट सेटिंग कितना दिया था, 125% दिया था, उसमें TSM कितना दिया था, 0.4 दिया था, उसमें CTR कितना दिया था, 400/5 दिया था, इसमें हार्ट करंट उसमें कितना दिया था, 2400 एम्पियर दिया था, और आप रेटिंग टाइम पूछा था उसमें जो इससे पहला क्वेश्चन आपका था, करंट सेटिंग कितना दिया था, 125% दिया था, TSM कितना दिया था, 0.4 दिया था, CTR कितना दिया था, 400/5 दिया था, फॉल्ट करंट कितना दिया था, 2400 एम्पियर ये दिया था, दिया वही था, निकालना क्या था, आप रेटिंग टाइम, क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम वही है, सेम उसी मैनर में हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो उसमें हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमको PSM निकालना होता, PSM के लिए हमको पिकअप करंट और फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वही चीज़ करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पिकअप करंट निकाल लेते हैं। आइए यहाँ से निकालिएगा पिकअप करंट, तो पिकअप करंट बराबर आपका क्या होता है, रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी इनटू करंट सेटिंग यही होता है ना फार्मूला, यही होता है पिकअप करंट बराबर रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी इनटू करंट सेटिंग। चलो आगे आओ, रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी का जो सीटी सेकेंडरी है, सीटी के सेकेंडरी की करंट रेटिंग कितना है, 5 एम्पियर, ये लिख दो, करंट सेटिंग मतलब प्लग सेटिंग कितना है, 150 एम्पियर, ये यहाँ पर लिख दो, 150 एम्पियर का मतलब 150/100, अब इसको गुणा कर लीजिए, 5 5 25, 5 1 5 2 7, ये आ जाएगा आपका 7.5 एम्पियर, ये आ जाएगा आपका 7.5 क्या है, पिकअप करंट है। अब हमको क्या निकालना होगा, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल कैसे हम लोग निकालते थे, एक साइड हम लोग सीटी की प्राइमरी करंट लिखते थे और दूसरी साइड हम लोग क्या लिखते थे, सेकेंडरी करंट, और ये जो सेकेंडरी की करंट होती थी यही रिले कॉइल में फ्लो हुआ करती थी, यही रिले कॉइल में फ्लो हुआ करती थी। प्राइमरी में अगर सीटी हमारा कितना है, 400/5 का है, तो 400 अगर एम्पियर प्राइमरी में फ्लो होगी तो सेकेंडरी में कितनी करंट फ्लो होगी, 5 एम्पियर। अब इसी तरीके से अगर प्राइमरी में 1 एम्पियर फ्लो हो करंट तो सेकेंडरी में कितना होगी, 5/400, ये तो आप समझ रहे होगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब फॉल्ट करंट कितना दिया है, 6000 दिया है, अगर 6000 एम्पियर करंट फ्लो हो तो सेकेंडरी में कितना आएगा, 5/400 × 6000, अब इसको आप भाग दे दीजिए, ये इससे कट गया, 4 × 4 = 20, ये आ गया 75 एम्पियर, ये 75 एम्पियर कहाँ फ्लो होगा, सीटी के सेकेंडरी में, या मैं कहूँ कि रिले की कॉइल में, तो इतना आया 75 एम्पियर, ठीक है। तो अब PSM बराबर आपका क्या आ जाएगा, PSM बराबर आपका आ जाएगा फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल कितना है, 75, पिकअप करंट कितना है, 7.5, 75 कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, पिकअप करंट कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, वही चीज़ हमने लिख दिया। अब इसको आप भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद आपने क्या पाया कि PSM की वैल्यू आपकी 10 आ रही है। PSM का मतलब ये होता है कि ये पिकअप करंट का कितने गुना फॉल्ट है, तो पिकअप करंट का कितने गुना फॉल्ट है, 10 गुना फॉल्ट है, जितना PSM आ जाए उतने गुना फॉल्ट होता है, इसका मतलब प्रैक्टिकल मतलब ये होता है PSM का। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ देखो आपका PSM कितना आपको मिला था,
पीएसएम आपको मिला था 10, पीएसएम आपको मिला था 10। अब इस पीएसएम के अनुसार आपका टाइम कितना है, देखो आपका पीएसएम अगर 10 है, पीएसएम आपका 10 है, ये वाला पीएसएम अगर आपका 10 है तो आपका ऑपरेटिंग टाइम कितना है, 2.8 सेकेंड। तो यहाँ से जो आपका टाइम मिल रहा है, यहाँ से जो आपका टाइम मिल रहा है कितना मिल रहा है, 2.8 सेकेंड मिल रहा है। अब एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम निकाल लेते हैं, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम बराबर हो जाएगा टाइम पीएसएम कर्व से प्राप्त समय का मान, टाइम पीएसएम कर्व से प्राप्त समय का मान इनटू टीएसएम। टाइम पीएसएम कितना है, 2.8 है, टीएसएम कितना दिया है, टीएसएम 0.4 दिया है। तो यहाँ इसको गुणा कर दीजिए, 4 8 32, 4 2 8 3 11, ये आ जाएगा 1.12 सेकेंड। इस रिले का एक्चुअल ऑपरेटिंग क्या टाइम क्या आ जाएगा, 1.12 सेकेंड, ये इस रिले का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम होगा। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को, रिले के न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हो। प्रोसीजर सबका वही है, इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो मैं समझता हूँ। चलो अगला हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ चलो, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव मुझे मिल गया था तो मैं सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे आप लोग। हाँ क्वेश्चन है, द मोस्ट इफिशियंट टार्क प्रोड्यूसिंग इस्ट्रक्चर फॉर इंडक्शन टाइप रिले इज। पहला है आपका साइडेड पोल स्ट्रक्चर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा है वाट आवर मीटर स्ट्रक्चर। तीसरा है इंडक्शन कप स्ट्रक्चर। चौथा मेरा दिया है सिंगल इंडक्शन लूप स्ट्रक्चर। इसमें ये पूछ रहा है कि मोस्ट इफिशियंट टार्क किस स्ट्रक्चर में मिलेगा, मोस्ट इफिशियंट टार्क। तो आपको हमने बताया था कि जो सबसे अच्छा स्मूथ टार्क या हाई टार्क वो वाट आवर, वो इंडक्शन कप स्ट्रक्चर में मिलता है।
इंडक्शन कप स्ट्रक्चर की बहुत सारी खासियत ये होती है कि इसमें जो रोटर होता है चारों साइड से इसमें पोल लगा होता है, फ्लक्स का लीकेज कम होता है, और इसका जो जो आप इसमें रोटर यूज करते हो वो हालो कप टाइप का होता है, तो उसकी इनर्सिया डिस्क टाइप की तुलना में कम होती है। तो इस इन सब कारणों से आपको ये पता चलता है कि इंडक्शन कप स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर में सबसे अच्छा टार्क डेवलप होता है। हाँ, एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, ये जो टार्क है, जो किसी भी रिले में जो टार्क मेरा डेवलप होता है वो टार्क मेरा डिपेंड करता है फ्रिक्शन पर भी डिपेंड करता है, डिस्क स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है, स्प्रिंग पर भी डिपेंड करता है, और फ्लक्स लीकेज पर भी डिपेंड करता है, एयर गैप पर भी डिपेंड करता है, मतलब कोर और जो रोटर है, इन रोटर इन द सेंस या तो डिस्क हो सकता है या इंडक्शन कप टाइप का हालो रोटर हो सकता है, उनके बीच गैप पर भी डिपेंड करता है। इन सारी चीज़ों पर आपका टार्क डिपेंड करता है, इसीलिए जब भी आपका टार्क का फार्मूला दिखाया जाता है वो प्रपोर्शनल में दिखाया जाता है, फाइव वन फाइव टू साइन अल्फा अपान जेड ई, ये कुछ प्रपोर्शनल दिखाया जाता है। तो इसमें जो कॉन्स्टेंट है, ये जो टार्क है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका रिस्ट्रेनिंग टार्क पर डिपेंड कर रहा है, जो जो फ्लक्स जो एयर गैप है रोटर और स्टेटर जो एयर गैप है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, फ्रिक्शन पर भी डिपेंड करेगा, ये चीज़ समझिएगा। तो ये जो टार्क है इन सब बातों पर डिपेंड करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताया हूँ। अब देखो, इतना तो मैं आपको रिले का मैं न्यूमेरिकल साल्व करा दिया हूँ, और दो तीन चार मुझे लग रहा मैं करा पाया हूँ, सभी इसी टाइप के होते हैं, तो ज़्यादा हम ना करा रहे हैं, ज़्यादा हम नहीं करवा रहे हैं। आपको क्या करना है, आप अपनी कोई ऑब्जेक्टिव की बुक उठाइए, उसमें आपका जितना न्यूमेरिकल इस टाइप का दिया गया हो, जितना आपका PSM पूछ रहा हो या पिकअप करंट पूछ रहा हो या ऑपरेटिंग टाइम पूछ रहा हो, इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल के, आप उसको सॉल्व करेंगे। आप मुझसे ये वादा करिए कि आप उसको सॉल्व करेंगे, जब आप अपने से सॉल्व करेंगे तभी आप न्यूमेरिकल में परफेक्ट हो पाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप सॉल्व करिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप सॉल्व करेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपसे, और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और अब आप मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे, आप मेहनत करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।